नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। सच की तह तक इस वक्त की खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से। आइए डालते हैं संवाद की एक रिपोर्ट पर नजर, उत्तर प्रदेश बरेली जिले की। और बहुत धन्यवाद हमारे नवाबगंज के पूर्व मंत्री जनाब भगवत सिंह गंगवार जी, आज इस नवाबगंज की धरती पर उपस्थित हमारे सदस्य विधान परिषद एवं को टारगेट किया है। क्या राय है? ये ऐसे शब्द इसलिए बोले जा रहे हैं कि लोगों को ऑक्सीजन नहीं दे पाए, लोगों को रोजगार नहीं दे पाए, किसान की आय दुगनी नहीं कर पाए, बेरोजगारों को नौकरियां नहीं दे पाए और कानून व्यवस्था ध्वस्त है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, आरक्षण खत्म किया जा रहा, संविधान खत्म किया जा रहा, इसीलिए तो इस तरीके के बयान दे रहे हैं। और जिस ये संत हैं कि नहीं हैं, संत को तो इस तरीके की भाषा शैली नहीं प्रयोग करनी चाहिए। और लेकिन ये योगी नहीं है, लेकिन हमारा नेता माननीय अखिलेश यादव कर्मयोगी है। और ये बीजेपी झूठे जुमलेबाजी, ये केवल भ्रम और लोगों में खाई पैदा करना चाहते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी सभी जाति वर्ग धर्मों को लेकर उत्तर प्रदेश में पूर्ण और प्रचंड बहुमत के साथ में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। हर हर महादेव और अल्लाह अकबर को लेकर जो राजनीति की जा रही है, आपकी क्या राय है? अब देखिए, चल रहा नौजवान मांग रहा नौकरी कहाँ है, और लोग मांग रहे हैं अस्पताल कहाँ है, लोग मांग रहे हैं किसान आय दुगनी मांग रहे हैं, और पिछड़े और दलित आदिवासी मांग रहे हैं आरक्षण। ये सब बड़े मुद्दे हैं। अब जनता इनके ताने बाने में नहीं बचने वाली है। अब लोग रोजी रोजगार, किसान, नौजवान, छात्र, बेरोजगार, ये सब मांग रहे हैं। बड़े मुद्दे ये हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पूरी तरह विफल हो गई। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, संविधान खत्म किया जा रहा, लोकतंत्र की हत्या की जा रही, बोलने की आज़ादी छीनी जा रही है, और समाजवादी पार्टी निकल चुकी है और ये मल्ला और निषाद का बेटा निकल चुका है। ऐसे कितनी यात्राएं समाजवादी पार्टी चल रही हैं, और बीजेपी को खत्म करके माननीय अखिलेश यादव जी को पूर्ण और प्रचंड बहुमत में हम लोगों ने संकल्प लिया है कि पूर्ण और प्रचंड बहुमत में समाजवादी पार्टी की सरकार आए, रात दिन एक कर देंगे।